आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम जो है पॉल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है NIOS का 12th क्लास का 317, तो इसे सॉल्व करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं उर्दू में के अंदर है पॉल साइंस का। तो इसके जो पहले क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स का है और 3 घंटे का टाइम रहेगा। अब इसमें जो सवाल आते हैं वो ये हैं कि ये पर्चा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, अलिफ और बा। हिस्सा अलिफ के तमाम सवालात लाजमी और हिस्सा बा में 2 इख्तियारी ऑप्शन सवालात हैं, उनको आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन का जवाब देना। हर सवाल के लिए मार्क्स उसके सामने दर्ज हैं। तो यहाँ पे जो पहला सेक्शन है इसके अंदर ये है कि सियासियात के कोई 2 तारीफ बयान कीजिए, गिव एनी 2 डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे आप, देखिए इसका जवाब है कि सियासत समाजी उलूम की वो शाख है जो रियासत, सियासत और हुकूमत का मुताला करती है। पॉलिटिकल साइंस बड़े पैमाने पर सियासी निज़ामों के तज्जिए, सियासत के लिए नज़रियाती और अमली इतलाक़ और सियासी रवैये की जांच से मुताल्लिक है। ठीक है, तो सियासियात की ये तारीफ है कि भाई उसका जो ताल्लुक है वो किससे, रियासत और हुकूमत के मुताले से, यानी जिसमें हम स्टेट से रिलेटेड पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम बड़े पैमाने पर सियासी निज़ामों को, सियासी नज़रियात को और इन सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लिबरलिज्म, यानी जो सेकंड है कि लिबरलिज्म की तारीफ करें, डिफाइन लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म की तारीफ जो है वो ये है कि लिबरलिज्म एक सियासी और अखलाकी फ़लसफ़ा है जो फ़र्द के हकूक, आज़ादी, हुकूमत की रजामंदी, सियासी मसावात और कानून के सामने मसामात पर मौजूद है। इसे ही लिबरलिज्म कहते हैं, जिसमें सबको क्या है, बराबरी का हक दिया जाता है। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है कि हुकूमत की पार्लिमानी शक्ल की वजाहत करें, एक्सप्लेन द पार्लिमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो ये है कि पार्लियामेंट जो है हिंदुस्तान की लिबरलिज्म कानून साज इदारा है। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट सदर और 2 ऐवानों की राज्यसभा, रियासतों की कौंसिल और लोकसभा, अवाम का ऐवान पर मुश्तमिल, यानी एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। सदर हाउस पार्लियामेंट के ऐवानों को तलब करने और उन्हें मुअत्तल करने या लोकसभा को तहलील करने का इख्तियार रखता है। ठीक है, तो ये इसका जो है तीसरे का है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि हमागीर बालिग राय दही से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसका जवाब इसका ये आंसर है कि भाई जो हमागीर बालिग राय दही है वो ये है कि वो लोगों को वोट डालने और अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने के हक को फ्रेंचाइजिस यानी हक राय दही कहा जाता है। ये लफ्ज़ जो है फ्रांसीसी लफ्ज़ फ्रेंच से माखूज है, इसका मतलब है अपने नुमाइंदे को चुनने का हक का आज़ादाना इस्तेमाल। बालिग राय दही का मतलब है वोट डालने देने का हक बगैर जात पात, तबका, रंग, मजहब, जिन्स के अतबार सभी शहरियों को दिया जाना चाहिए, इतना लिख दीजिएगा। इसके बाद जो इसका जो पांचवा क्वेश्चन है वो ये है कि किसी सूबे के गवर्नर बनने के लिए किन्हीं 2 ज़रूरी अहलियतों को बयान कीजिए। मेंशन एनी 2 क्वालिटीज टू बिकम गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो अगर आप किसी स्टेट के गवर्नर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर वो क्या 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। तो जो इसका जवाब है वो यही है कि गवर्नर के तौर पर तकर्रुरी के लिए अहल होने वाले शख्स को हिंदुस्तान का पहले शहरी होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल मुकम्मल हो चुकी हो। आर्टिकल 157, गवर्नर मुकन्नना या पार्लियामेंट का रुकन नहीं हो, मुनाफे का कोई अहदा नहीं रखा जाए यानी कोई सरकारी नौकरी ना हो, मराहत और अनाउंसर का हकदार। ठीक है, तो ये जो है पांचवे का क्या है जवाब। इसके बाद जो है इसमें जो छठा सवाल है वो ये है कि हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस का तकर्रुर कौन करता है, यानी हिंदुस्तान हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, छठा है। तो इसमें जो है इसका जवाब यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि भारत का जो सदर है, हिंदुस्तान का आयन हिंदुस्तान के सदर को सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के मशवरे से तकर्रुरी का इख्तियार दे, जो 65 साल की उम्र को पहुँच तक या 3 साल की तकमील पर
जो भी पहले हो खिदमत अंजाम दे रहा हो, ठीक है, वही जो है चीफ जस्टिस बनता है। इसके बाद जो है सातवां जो क्वेश्चन है वो ये है कि सादा अक्सरीती निज़ाम साहब क्या थे, वॉट डू यू मीन बाय सिंपल मेजोरिटी सिस्टम। तो इसका जवाब है कि सादा अक्सरीती नुमाइंदगी के निज़ाम का मतलब है वो निज़ाम जिसमें किसी उम्मीदवार को दूसरे से ज़्यादा वोट हासिल करने वाले को मुंतखब करार दिया जाता है, ठीक है जी। और इस निज़ाम में वोटों के मुतालिक अक्सरियत हासिल करना ज़रूरी नहीं, आम तौर पर बराए रास्त इंतखाबात में सादा अक्सरियती अक्सरियत का निज़ाम इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो है अगला इसका जो है सवाल है, सवाल नंबर 8 के किन्हीं दो माहौलियाती मसाइल को बयान कीजिए, मेंशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी जो माहौलियाती प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको बयान करना। तो इसका जवाब भी मैंने जो है निकाल रखा है। माहौलियाती प्रॉब्लम है ज़मीन, हवा और पानी, ठीक है, तीन है, इसमें दो बतानी है तो आप दो लिखिए। ज़मीन और पानी की आलूदगी जो है पौधों, जानवरों और इंसानों पर ख़राब असर डालती है। ज़रा ही ज़मीन को ख़त्म होने के नतीजे में मिट्टी चटक रही है यानी फरसूदा होती जा रही है। हर साल तकरीबन 5-7 मिलियन एकड़ की ज़मीन नुकसान का अंदाज़ा किया जाता है। हवा और पानी के सबब मिट्टी की फरसूदगी दुनिया को काफ़ी महंगी पड़ रही है। बार बार आने वाले सैलाबों से मुतअद्दिद किस्म के नुकसान हो रहा है, मसलन जंगलात का मधूम होना, नदियों की चौड़ाई और बाद में कमी आना, सारी बातें आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद जो है अगला सवाल है कि पंचशील के किन्हीं दो रहनुमाए उसूल को बयान कीजिए, पॉइंट आउट ऑफ एनी टू गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द पंचशील। पंचशील के आपको यहाँ पे जो है दो गाइडेंस बतानी है क्या क्या है हम, ठीक है, इसका जवाब भी मैंने जो है निकाल के रखा आपके लिए। इसका जवाब है कि पंचशील जो है पड़ोसियों के साथ पुरमन बकाया भामी के सूर के तौर पर सराहत करता है, इसे ही पंचशील कहते हैं, जो नावस्तगी को हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की एक नहायत अहम खसूसियात समझा जाता है। दूसरी जंग अजीम के बाद शाहसानी तौर पर सोवियत यूनियन के जरिए तश्कील किए गए किसी भी फौजी इतिहाद में शामिल ना होते हुए खारजी अंबार में कौमी आज़ादी को बरकरार रखना ही नावस्तगी का मकसद। सारी बातें आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, यही जो है शील के राशि है पंच की शील। इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सवाल नंबर 10 के रियासत और दूसरी अंजुमनों के दरमियान कोई 5 फ़र्क की वजाहत, एक्सप्लेन 5 डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड अदर एसोसिएशन। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि इंफरादी रियासत का एक मखसूस और सवाल नंबर आपका जो 10 है वो ये है कि रियासत और दूसरे अंजुमनों के दरमियान कोई 5 फर्क की वजह जो एसोसिएशन होती हैं उसके। तो इसका जवाब ये है कि इंफरादी सियासत रियासत एक मखसूस और मुस्तकिल इलाका है जबकि रियासत तमाम लोगों के लिए खुद मुख्तार इरादा है। अंजुमन एक रजाकाराना तौर पर मुनज़्ज़म है गैर मौजूदा मुख्तार तंजीम है जो हमेशा रहती हैं और रियासत के कवानीन के तहत काम करती हैं। देखिए जो रियासत होती है मैं आपको आसान अल्फाज़ में, वो मुस्तकिल है, जन्म लेते ही आप उसका हिस्सा हो जाते हैं। अंजुमन में आप एसोसिएशन में अपनी मर्ज़ी से जाते हैं और उसमें जब मर्ज़ी छोड़ सकते हैं, लेकिन रियासत में आप कभी भी उसकी वो नहीं छोड़ सकते जब तक आप ज़िंदा हैं। इसके बाद जो है ग्यारहवा क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का तकर्रुर किसके ज़रिए किया जाता है, हिंदुस्तान वज़ीर आज़म के किन्हीं 3 कामों की वजाहत कीजिए। तो वज़ीर आज़म जो है 11वें सवाल का जो जवाब है कि जो वज़ीर आज़म है हिंदुस्तान के उनका जो तकर्रुर होता है अपॉइंटेड होते हैं वो हिंदुस्तान का सदर बनता है। काम वज़ीर आज़म को लोकसभा के अरकान की अक्सरियत का एतमाद हासिल करना होता है जो हर 5 साल बाद
براہ راست منتخب ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے بارواں کوشچن ہے کہ عدالت عظمیٰ کے منصب بننے کے لیے کیا اہلیت درکار ہے اور عدالت عظمیٰ کے منصب کی خدمات کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہوتی ہے, انہیں ان کی پوسٹ سے کس طرح ہٹایا جا سکتا ہے. تو بارہویں کا جو ہے اس کا جواب یہ ہے یہاں پہ کہ سپریم کورٹ کے جج کے صدر کے طور پر تقرری کے لیے کسی بھی شخص کو ہندوستان کی شہری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہندوستان کا اسے پہلے شہری ہونا چاہیے اور اسے کم از کم 5 سال تک ہائی کورٹ بعد میں دیگر 2 یا 2-3 عدالتوں کا جج یا وکیل ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا جج 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کو معاوضے کے عمل سے ہٹایا جاتا ہے. صدر کو جج کو اس کے عہدے سے ہٹانے کا اختیار صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب پارلیمنٹ کی طرف سے اس کی برطرفی کے لیے اسے اجلاس میں ایک مکتوب پیش کیا جائے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد جو ہے تیرہواں سوال کے اندر یہ ہے کہ کسی ریاست کے گورنر کے کنہیں 5 آئین ساز کاموں کی وضاحت کریں. ایکسپلین اینی 5 لیجسلیٹو فنکشن آف اے اسٹیٹ گورنر. ٹھیک ہے, اس کے جو ہے 5 کام بتانے. تو قانون ساز محکمہ بنیادی طور پر مرکزی حکومت کے لیے تمام اصولی قانون سازی کے مسودے سے متعلق ہے. جیسا کہ پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے بل صدر کے ذریعے نافذ کی جانے والے آرڈر صدر کے راج کے تحت ریاستوں کے لیے صدر کے قانون کے طور پر نافذ کی جانے والے اقدامات اور ضوابط کی طرف سے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 14 کے اندر یہ ہے کہ ہندوستانی ریاست میں ذات پات کے کردار کی وضاحت کرے. ایکسپلین دا رول. ہندوستان کے اندر جو ہے ذات پات کے اوپر بھی جو جواب ہے, آزادی کے وقت سے ہندوستان سیاست میں ذات پات کے معاملے خصوصی دو اموار پر زیادہ توجہ مبذول. ہم اگر بالغ رائے دہی پسماندہ طبقات کے حق میں تحفظات امتیاز کے لیے آئینی التزام. ہم اگر بالغ رائے دہی کی شروعات ہونے سے عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ اس دائرے میں آیا. انتخابی سیاست کے ایک بڑے میدان میں ووٹ دینے کی جائیداد کے عامل ہونے کی اہلیت کی شرط ہونے کے سبب اس میں خارج تھا. اسی سیاسی جماعتوں کی وجہ سے یہ ساری باتیں آ گئیں اور آپ اس میں سے دیکھ لیں گے. یہ بات قابل غور ہے کہ حفاظتی امتیاز عوام کو 3 زمروں میں بانٹتا ہے. ٹھیک ہے, درج ذات فیری, درج ذات قبائل اور دیگر پسماندہ افراد. یہ جو ہے ہندوستان کی اور جو ہے او بی سی کا معاملہ بھی اسی میں. اگلا سوال ہے کہ 15 کہ ہندوستان میں علاقیت کے فروغ کے 5 وجوہات کی وضاحت کیجیے. علاقیات ہے اس کے فروغ کی 5 وجوہات بتانی ہے آپ کو کہ کیا 5 وجوہات ہیں. علاقائیت جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بار علاقائیت کا ظہور لسانی بنیادی ریاستوں کے اثر نو تنظیم کو لیے طلب کیا گیا, بلکہ علاقیات نہایت مؤثر طور پر 1960 کی دہائی میں تمل ناڈو میں کانگریس کے خلاف ڈی ایم کی جیت کی صورت میں ہوا. شروعات میں مرکزی قیادت نے محسوس کیا کہ علاقائیت ایک ذیلی سیاسی عمل ہے جو نہ صرف تمل ناڈو تک محدود ہے, لہٰذا انہیں قومی اتحاد کے لیے کوئی خطرہ دکھائی نہیں دیا. تاہم یہ تشخیص غلط ثابت ہوئی. جلد ہی پنجاب میں اکالی دل تحریک نے رفتار پکڑی, جبکہ جموں کشمیر میں شیخ عبداللہ نے نیشنل کانفرنس کا آیا کیا. ٹھیک ہے, اور ان ابتدائی سالوں میں سبھی ہندوستانی سیاسی جماعتوں میں ان علاقائی قوتوں نے اس عذر کی بنیاد پر موقف جاری رکھا کہ وہ علاقائی جماعتوں کی بنیاد پر مداخلت کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے اور اپنی تنظیموں میں انہیں جذب کر لیں گے. اسی طرح آپ یہ ساری بات بھی اس میں لکھ دیجیے گا. 16 جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مابعد سر جنگ دور میں غیر جانبدار تحریک کی معنویت پر بحث کیجیے. ڈسکس دا ریلیونس آف دا نان ایلیجنس موومنٹ آف پوسٹ کولڈ وار فور پیریڈ. تو اس کا جواب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں.
कि 1989 में सरजंग के खात्मे के सब बैनुल अक़वामी मंजरनामे नुमाया तब्दीलियाँ नुरुमा। इस पर इस बिना पर हिंदुस्तान समेत, पहले सवाल को देखते हैं क्या है। माँ बाद सरजंग यानी सरजंग के बाद गैर जानदार तहरीक की मानवियत यानी क्या उन्होंने हिस्सा लिया उसको बताया। बैनुल अक़वामी नजरनामे उस बिना पर हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया पजीर में दुनिया भर में मुल्कों ने पॉलिसी मसाइल पैदा हुए। हिंदुस्तान के लिए सोवियत यूनियन के इंतशार का मुख्तलिफ कई पहलुओं जैसे हथियार के निज़ाम की फरहमी, कुल पुर्जों की सप्लाई, कश्मीर के सिलसिले में सिफारती अक़वाम मुत्तहिदा और उसके बाद और अम्बार पर रियासत आए अमेरिका का पड़ना भारी होने के लिहाज से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होने लगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है तंजीमें आ गए और उन्होंने इस तरह इसको कमी को पूरा कर दिया। इसके बाद जो है अगला सवाल है 17वां के कौम के क्या मानी है, कौम और कौमियत के दरमियान फ़र्क पर बहस करें। ठीक है, 17वां है यहाँ पे इसका जवाब जो है आप देख सकते हैं 17वें का, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल जो है आपको क्लियर दिखेगा। तो लोगों का एक बड़ा इदारा जो किसी खास इलाके में वाबस्ता हो, जो अपनी हुकूमत की तलाश करने या उस पर कब्जा करने के लिए एक इत्तेहाद कर पाए पर काने में काफ़ी हद तक आ गया था, जो लोगों के एक गिरोह को किसी भी नस्ल, जबान, तर्ज अमल वगैरह के हवाले से किसी किस्म की शनाख्त रखता हो, यहाँ तक कि जज्बाती ताल्लुक रखता हो, तो वो गिरोह कौमियत की तश्कील करता है। इसके बाद इन्होंने जो है इसी में आपको ये करना है, रियासत के अहम अनासिर की मुख्तसर वजाहत कीजिए। तो रियासत के जो चार अहम अनासिर हैं वो है आबादी, इलाका, हुकूमत और खुद मुख्तार। 18वां सवाल है कि हिंदुस्तानी आइन रूहानी एतबार से यकजहती है, वजाहत करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी स्पिरिट एक्सप्लेन। तो हिंदुस्तान का जो आइन है तहरीर और सख्त आइन, हिंदुस्तान का आइन तहरीरी है और सख्त है। मरकजी हुकूमत और पॉलिसी हुकूमतों के अख्तियारात, बुनियादी हुकूक और रियासती पॉलिसी की हिदायती उसूल को आइन में वाज़ह तौर पर बयान किया गया और इनमें तसादुम की बहुत कम इम्कान। आइन सख्त भी है क्योंकि इसके ज़्यादातर शक्कों को पार्लियामेंट की सादा अक्सरियत से तब्दील नहीं किया। इस मकसद के लिए कम से कम 50% रियासतों की तौसीक की भी ज़रूरत है। इस तरह मरकज़ आइन में मनमानी तब्दीली नहीं कर सकता। सबसे तवील तहरीरी आइन है, आज हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत होने पर फख्र है। तो ये 17वां सवाल था और इसके बाद है तो ये 18वां था। अब इसमें जो अगला सवाल है वो ये है कि हिंदुस्तान बराए आइनी तदराक के तहत शहरियों के बुनियादी हकूक के तहफ़ की वजाहत करें। तो इसका जवाब जो है वो ये है कि हिंदुस्तान में एक हक है जिसमें कहा गया है अगर कोई शख्स ऐसे अपने बुनियादी हकूक का तहफ़ करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जो हक सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 के तहत आता है। इसी आइनी इलाज का हक कहा जाता है। इस हक में सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी बुनियादी हकूक के उसूल का अख्तियार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला सवाल जो है 19वां वो ये है, हिंदुस्तान में जो है इलेक्शन कमीशन का तकरूर कौन करता है, इलेक्शन कमीशन के किन्हीं 6 कामों की वजाहत करें। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन CEC का तकरीर हिंदुस्तान के सदर करते हैं। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है और उसके पास अख्तियारात की वसी रेंज है, जो कि ये इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के ऐलान से लेकर नतीज के ऐलान तक इंतखाबात के इनेकाद और कंट्रोल के तौर पर हर पहलू पर फैसला कर लेता है और
ये इदारा हिंदुस्तान में लोकसभा, राज्यसभा, रियासती कानून साज असम्बली और मुल्क में सदर और नायब सदर के दफातर के इंतखाब का इंतजाम भी करता है। इसके बाद जो है बीसवा, इसके अंदर सवाल है, बीसवा सवाल यह है कि अवामी ख्यालात फरोग देने वाली एजेंसियों के मुख्तसरन वजाहत करें, ब्रीफ एक्सप्लेन द एजेंसीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, तो इसका जवाब है राय आम्मा के तमाम तौर पर अवाम की राय के तौर पर लाया जाता है। जमहूरी निज़ाम में राय आम्मा को एक अहम मकाम हासिल होता है क्योंकि राय आम्मा को अवाम की आवाज़ समझा जाता है। अवाम से हमारा मतलब है अफराद की सही तादाद या अफराद की एक मुकर्रा जमात नहीं। अवाम के लफ्ज़ माशरे के एक ऐसे तबके का है जो मुश्तरक मुफादात रखते हैं। अवामी तशवीश के मामलात पर हर एक जैसे ख्यालात और राय रखते हैं। ठीक है जी, इसके बाद जो है आपका 21वां जो सवाल है वो देख, इसके बाद जो है भाई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के दो काम बयान। नेम एनी टू विक्ट्रीज कंट्रीज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे आपको जो है यूनियन पब्लिक सर्विस के दो काम आपको यहाँ बताने। वर्ल्ड वॉर की दो वो बतानी है कौन सी थी। तो इसका जवाब है दूसरी जंग अजीम में माबेन इत्यादि ताकतों में बरतानिया, अमेरिका और सोवियत यूनियन का। इसके बाद अगला है कि आलमगीरियत के किन्हीं पांच मनफी असरात पर बहस कीजिए। जो आलमगीरियत आई है इसके जो पांच मनफी असरात हैं, यानी जो अब ग्लोबलाइजेशन आ गई है पूरी दुनिया में आप कुछ भी चीज़ खरीद और बेच सकते हैं, इसके जो मनफी असरात हैं वो आपको बताने के, इसके क्या मनफी असरात हैं वो चार मनफी असरात को आपको बताने। कई मनफी असरात हैं लेकिन इसका जो मनफी असरात के बारे में इसे तशवीश, अमेरिकी कंपनियां, करेंसी, टीवी चैनल, हथियार ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा है। आज तो ये है कि तरक्की याफ्ता मुल्क भी कई इलाकाई कंपनियां बंद हो रही हैं जिसके सबब कई मिलियन अफराद बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। खाद, बिजली और दूसरी अशिया में दी जाने वाली फलाई इमदाद हुकूमत के जरिए रोके जाने से शहरी और दही पस्ताली का परेशान हो रहे हैं। ये सारी बातें आप इसमें से यहाँ तक लिख सकते हैं। जबकि मालदार मुल्कों की तरफ से एहतियात के तौर पर दी जाने वाली इमदादी रकम में कोई इजाफा नहीं। तरक्की पजीर मुल्क ममालिक पर कर्ज का बोझ परेशानी की हद तक बढ़ चुका। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि 23वां माशी और समाजी इरतकाई सरगर्मियों के लिए अक्वामे मुत्तहिदा के क्या इकदाम है आपको ये बताने। तो उन्होंने क्या इकदाम उठाए माशी सरगर्मियों के लिए तो आपको यहाँ बताने। तो इसका जवाब है कि UNDP पब्लिक प्रोग्राम जिंसी बराबरी के फ़रोग देने का एक प्रोग्राम है। ठीक है, और इन्होंने जो है UND फलस्तीनी इलाकों की हंगामी मदद के खातिर 1.5 मिलियन मुख्तस कर चुकी है। पब्लिक सेक्टर की इस्तेलात पार्लिमानी निज़ाम की तरक्की के लिए 2009 में सारी चीज़ें बनाई गई। सूबह गुजरात के एक ज़िले आफात से मानूस एक इलाके में 2004 में एक 4 साल मंसूबे की शुरुआत की गई और ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख दें। इसके बाद जो है अगला जो इसका सवाल है ये है कि तुर्क नौआबादियात की कोशिशों में अक़वामे मुत्तहिदा के किरदार को बयान करें। ये करना था यही है, तो मैंने ये वाला आपको बता दिया। अब इसमें जो है ये वाला है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के दो काम बताएं। ये यूनियन पब्लिक सर्विस के दो काम क्या हैं? तो इसके जो दो काम हैं वो ये हैं, UPSC के दो काम बताने। तो यहाँ तो कई सारे हैं
भर्ती के तरीकों से मुतालिक तमाम मामलात और बिलवास्ता तरक्की के जरिए सिविल सर्विस के तकरूरी के अमल में लाते वक्त अपनाए जाने वाले मैार तकरूरी तरक्की और तबादले के उम्मीदवार मौजूनियत से मुतालिक सलाह देती है। मुल्की पैमाने पर सर्विसेज में तकरूरी के इम्तहानात करवाती है। सरकारी मुलाजमीन पर असरअंदाज होने वाले तादियाती मामलात से मुतालिक मशवरा देती है। और ये सारी बातें इसमें से दो लिखी हैं। अगला है कि एक्सप्लेन दफ्तर काबीना कैंडिडेट सेक्रेटरी के किन्हीं पांच कामों को क्या करना है आपको वजाहत करनी है। पांच कामों की इनमें जो है आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई इनके जो है पांच काम क्या है। इसके पांच काम जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगरचे कैबिनेट सेक्रेटरी का अहम काम मजलिस उजरा की मदद करना है, लेकिन दरहकीकत वो कैबिनेट के अहम मसले का कारा भी करते हैं और उसके मुख्तलिफ जहाँ वो मुख्तलिफ वज़रों से राबता करते हैं, मुख्तलिफ सेक्रेटरों को गहरा ताल्लुक बनाए रखते हैं। सिविल सर्विस का सरबरा होता है सिविल सर्वेंट की अखलाकी बुलंदी को बरकरार रखने के अमली यकीनी बनाते हैं। ऐसे सियासतदान और सिविल सर्वेंट के दरमियान तसादुम रोकने के हैसियत से काम करते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान टकराव की सूरत पैदा होने पर वे सिविल सर्वेंट के मफाद को तहफ़ देता है। ये सारी बातें आप इसके अंदर दिखते हैं। इसके बाद जो है 23वां है कि आपको बताना है कि पुरअज़्म नौकरशाही के मुताल्लिक मानी की वजाहत करें, नौकरशाही की खसूसियात आपको बतानी, ठीक है। तो इसका जवाब जो है नौकरशाही की खसूसियात का जवाब है ये ब्यूरोक्रेंसी एक आलमी मंजर पर है, ठीक है। और इसमें ये सारी बात आप लिख दीजिएगा, ठीक है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद है अवामी शिकायत के अजाले के मुख्तलिफ आलात क्या है। अवामी शिकायत के जो आलात हैं मुख्तलिफ वो आप देख सकते हैं। इंतज़ामी और बदनवानी अवाम की शिकायत के जाले के खातिर कवानीन तरीक़े कार को आसान बनाने की तजवीज़ भी की जाती है, उसके बावजूद भारतीय और हकीकत में जो है उससे पीछे रहे। अवामी शिकायत को दूर करने के लिए जो है मुख्तस मोहतसिब मिसाल के तौर पर सुनील हुए ओम बेडनिज़म के अहदा 1908 से सोडियम मौजूदा 1919 में फिनलैंड में डेनमार्क में, और ये सारी बातें आप इसके अंदर लिखें। किसी चीज़ की खिदमत में कमी पाने की सूरत में कोई भी शहरी सारी 1986 में और पाए जाने वाली एक्ट में सहारा ले सकता है, और ये सारी आरटीआई भी मंजूर किया सकता है, आरटीआई भी लगा सकता है, इसके ज़रिए काम होना। तो ये जो था पोल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा डीपली, अगर आपको पढ़ना है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नोट्स और असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल हो, टीएमओ जो भी चाहिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट